हर 3 घंटे ट्रिपल साइक्लोन का एडवाइजरी, टाइडल वेव का एडवाइजरी, हेवी रेन का एडवाइजरी और स्ट्रॉन्ग विंड का एडवाइजरी देते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये 21 तारीख का बारिश है। आप देखेंगे जैसे हम कल बोले थे कि ये जो बारिश आज गंडकी वेस्ट बंगाल में हो रहा है ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होगा और कल ज्यादा से ज्यादा बारिश हम आसाम मेघालय में देखने को मिलेगा। हम भी वहाँ हैवी टू हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं 21 तारीख को, मगर ये बारिश आज रात को से ही शुरू हो सकता है। सो जो हमने समझाया आपको अकॉर्डिंगली ये वार्निंग हम इश्यू किए हैं और 20 तारीख को जो बारिश होने वाला है सिर्फ नॉर्थ कोस्टल ओडिशा में ज्यादा कुछ होगा और ये डिस्ट्रिक्ट है भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर, गेंद्राघर एंड केवंझर डिस्ट्रिक्ट, मगर धीरे धीरे साउथ से बारिश कमेगा, कम होगा और नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा होगा, मगर ये सिर्फ आज के लिए, कल से उड़ीसा में कोई रेनफॉल ऐसे नहीं होगा। नेक्स्ट सो वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल आज ही होने वाला है और कल को रेनफॉल इंटेंसिटी कम हो जाएगा, मगर आज हम एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये है ईस्ट एंड वेस्ट मेदिनीपुर, साउथ एंड नॉर्थ वेस्ट कोलकाता, हावड़ा, हुगली, कोलकाता एंड एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट लाइक बर्धमान, मुर्शिदाबाद एंड नदिया। तो 21 तारीख को ज़्यादा बारिश नहीं होने वाला है, कहाँ कोई एक दो जगह पर हेवी रेनफॉल हो सकता है। चलिए सोमल एंड वेस्ट बंगाल, जैसे जलपाईगुड़ी से शुरू करके वेस्ट आसाम तक जो एरिया है वहाँ हम हैवी टू हैवी रेनफॉल उम्मीद कर रहे हैं, आज रात से शुरू हो सकता है और 21 तारीख को ज़्यादा बारिश वो एरिया में होगा, क्योंकि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो धीरे धीरे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट गति करते हुए कल सुबह बांग्लादेश में एक साइक्लोन स्टॉर्म होते हुए पहुँचेगा और वेस्ट आसाम में एक डिप्रेशन या लो प्रेशर एरिया होकर पहुँचेगा, इसकी वजह से वहाँ अच्छा बारिश होने का उम्मीद किया जा रहा है। तो ये है सबसे जो खतरनाक होता है साइक्लोन साथ स्टॉर्म सर्ज, ये एक्सपेक्टेड स्टॉर्म सर्ज है, ये हम लगातार जारी कर रहे हैं। इसमें हम यही बोले थे कि साउथ और नॉर्थ 24 प्रणाम में टाइडल वेव ज़्यादा होगा, हम ये बोले थे कि आज आफ्टरनून से शुरू होगा और आपको जानकर हम आपको ये इंफॉर्मेशन देते रहते हैं कि आज आफ्टरनून से स्टॉर्म सर्ज शुरू हो चुका है। ये टाइडल वेव हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 4 to 5 meters एवं एस्ट्रोनॉमिकल टाइम होगा और ये साउथ और नॉर्थ 24 प्रोग्राम का जो लो लाइंग एरिया है इसको इनोनेट करेगा। इसके साथ जो मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी ये 3 to 4 meters हाइट में इनोनेट कर सकता है। सो 4 to 5 meters ओवर साउथ और नॉर्थ 24 प्रोग्राम, 3 to 4 meters ओवर मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट। और ये जो टाइडल वाटर है ये इस एरिया में जो जो छोटे और बड़े रिवर्स है, बिकॉज ये एक रिवराइन सिस्टम है, वहाँ आप देखेंगे जैसे रेड और येलो इस कलर कितना अंदर तक जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जो टाइडल वेव है ये नदियों के जरिए रिवर के पास जो एरिया है इसको इनंडेट कर सकता है और हमारा जो एस्टिमेट है कि कोस्ट से लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक जा सकता है। और वो डायग्राम में आप ये भी देख सकते हैं कि बांग्लादेश में भी ऐसे ही कोई टाइडल वेव रहेगा। तो ये है दी डैमेज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेस्ट मेदिनीपुर, साउथ और नॉर्थ कोलकाता, हावड़ा, हुगली, कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। सो लार्ज स्केल एंड एक्सटेंसिव डैमेज होगा, जो कच्चा हाउसेस, टीन हाउसेस, एस्बेस्टस हाउसेस और इसके साथ पोटेंशियल थ्रेट होगा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से, जैसे प्रोजेक्टाइल हम बोल रहे थे, ऑपरेटिंग ऑफ ट्रीज होगा और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन पावर पोर्ट से भी ऑपरेटिंग हो सकता है, डिस्ट्रप्शन ऑफ रेल एंड रोड होगा और एक्सटेंसिव डैमेज टू स्टैंडिंग क्रॉप्स होगा, क्योंकि ये जो साइक्लोन टाइम आप देखेंगे एक ही टाइम में आपको बोल रहा हूँ हेवी रेन है, स्ट्रॉन्ग विंड है और इसके साथ साथ भी टाइडल वेव है स्टॉर्म सर्ज। सो एक ही साथ मल्टी हजार्ड सिनेरियो जनरेट हो रहा है इस रीजन पे अभी, इसलिए वहाँ सभी तरीके का डैमेज एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में और हमारा जो डोमेस्टिक सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर में होने का हम उम्मीद कर रहे हैं। सो वहाँ जैसे पाम एंड कोकोनट ट्री होता है और प्लांटेशन होता है और चर्च होता है, ये सभी एक्सपेक्टेड है कि डैमेज होगा। और जैसे मैं बोला कि एक रिवराइन एरिया है वहाँ से बहुत सारे लोग बोट में ट्रैवल करते हैं और इसलिए
हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बोट्स बहुत सारे भी यहाँ डैमेज हो सकता है. सो एक्सर हम यही सजेस्ट किए हैं कि टोटल सस्पेंशन ऑफ फिशिंग ऑपरेशन आज तक ये रहना चाहिए. कल सुबह नॉर्थ बे ऑफ बंगाल क्लियर होगा और आज ये क्लियर नहीं होगा. और सस्पेंशन एंड डाइवर्सन ऑफ रेल एंड रोड ट्रैफिक आज कंटिन्यू करना है. और पीपल इन अफेक्टेड एरिया टू रिमेन इनडोर्स. एंड पीपल तो ऑलरेडी इवैक्यूएट हुए हैं, जैसे डीजी एनडीआरएफ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, ये बहुत जरूरी था. और मोटर बोट्स और स्मॉल शिप्स कभी भी एडवाइजेबल नहीं है कि इसको ऑपरेट किया जाए. अभी जो डैमेज होने वाला था उड़ीसा में लगभग हो चुका है, और दो तीन घंटे के लिए भद्रक और बालासोर डिस्ट्रिक्ट में इसका विंड इम्पैक्ट रहेगा. सो ये हम कल भी बोल चुके हैं. और इसमें जो लिखा गया है एकेडमिक कुछ डैमेज रिपोर्ट भी हमारा जानकारी में आए हैं. सिर्फ अभी इम्पैक्ट रहेगा भद्रक और बालासोर डिस्ट्रिक्ट में फ्यू आवर्स, टू थ्री आवर्स के लिए. इसके बाद और उड़ीसा में कोई डैमेजिंग इम्पैक्ट नहीं रहेगा. और यहाँ भी फिशिंग ऑपरेशन बंद रहेगा आज, क्योंकि सी अभी भी स्ट्रांग है, डिस्टर्ब है. और रेल रूट वगैरह भी सिंस बालासोर भद्रक अभी भी डिस्टर्ब है, वहाँ नहीं होना चाहिए. और एफेक्टेड एरिया में लोग अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए. सो जब साइक्लोन क्रॉस करने के बाद अंदर जाता है, हमारे मन में आता है कि अंदर क्या होगा. सो इसलिए 12 घंटा पहले एटलीस्ट हम जब लैंडफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसका 12 घंटा पहले हम पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक इशू करते हैं. सो कल शाम को हम पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक इशू किए थे कि इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या होगा. गैजेटी वेस्ट बंगाल में जब ये जाएगा इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट में भी साइक्लोन स्टॉर्म इंटेंसिटी रहेगा आज रात, इसीलिए वहाँ भी डैमेजिंग इम्पैक्ट हो सकता है. वहाँ भी ब्रेकिंग ऑफ ट्री ब्रांचेस हो सकता है, ऑपरेटिंग ऑफ स्मॉल ट्रीज हो सकता है. ये सब डिस्ट्रिक्ट यही है, जैसे हम कोलकाता हावड़ा हुगली बोल चुके हैं. इसके अलावा जो वर्धमान है, मुर्शिदाबाद है, नदिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ ऐसे कुछ डैमेज भी एक्सपेक्टेड है. नेक्स्ट प्लेज. सो आप देखेंगे कि जो जैसे मैं बोल रहा था कि आप लोगों को हम जानकारी कंटिन्यूसली 13 तारीख से हम फर्स्ट प्रेस रिलीज 13 तारीख को दिए थे, वो कंटिन्यूसली हम हर दिन प्रेस रिलीज किए हैं और कभी कभी दिन में भी फ्रीक्वेंटली प्रेस रिलीज किए हैं. इसके साथ साथ हम सभी अतिथिस को, मीडिया को, आपके जरिए सभी पब्लिक को हम बुलेटिन हर 3 घंटे दिए हैं. और जब आज लैंडफॉल हो रहा था, आज सुबह अर्ली मॉर्निंग से हम आवरली अपडेट भी दे रहे थे. ये सब पॉसिबल हुआ आप सभी का कोऑपरेशन से, सपोर्ट से. मैं आप लोगों के माध्यम से सभी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो रिव्यू कर चुके हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो रिव्यू कर चुके हैं, हम सब सभी के पास आभार है, आभार व्यक्त करते हैं. और सभी के गाइडेंस में हम ऐसे अच्छा फोकस देने के लिए तैयार हो पाए हैं. और हम सभी मिलकर साइक्लोन जैसे डिजास्टर को, पैंडेमिक सिचुएशन पे हम मुकाबला करेंगे. Thank you.